दोस्तों, गर्मी का मौसम आ गया है और ऐसे मौसम में सन टैनिंग बहुत ही कॉमन है। सन टैनिंग सिर्फ गर्मी के मौसम में नहीं होती, सर्दी के मौसम में भी सन टैनिंग हो सकती है। सन टैनिंग आमतौर पर जो खुले हुए पार्ट्स होते हैं शरीर के, उन्हीं में ज़्यादा होती है। सन टैनिंग के लिए जैसे कुछ लोग टाइट कपड़े पहनते हैं और मोटे कपड़े पहनते हैं, इस कारण से टाइट कपड़े पहनने से और आधे कपड़े पहनने से सन टैनिंग होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और अपनी स्किन का, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग उचित मात्रा में पानी नहीं पीते हैं और खाने पीने में ये जंक फूड्स, तली हुई और ये चाइनीज़ फूड, ये सब बहुत खाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को गर्मी में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। तो सन टैनिंग कैसे होती है? हम सबको बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, तो सन टैनिंग आमतौर पर हमारे एक्सपोज्ड पार्ट में, जो पार्ट हमारे कवर्ड नहीं है, उस कारण से सन टैनिंग होती है। टाइट कपड़े पहनने से, डार्क कलर के कपड़े पहनने से सन टैनिंग हो सकती है। और डॉक्टर्स की सलाह लिए बिना जब आप लोग, हम लोग कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो उससे भी हमारी स्किन ड्राई ज़्यादा हो जाती है और डैमेज होती है, उससे भी सन टैनिंग ज़्यादा होती है। और कभी पार्लर से भी ट्रीटमेंट करवाया आपने, ब्लीच करवाया, फेशियल करवाया, ये बुरे नहीं है, ब्लीच और फेशियल करवाइए, बट इससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है आपकी स्किन। और सेंसिटिव स्किन टैन को, टैन होना बहुत इजी होता है, बहुत बहुत आसानी से सेंसिटिव स्किन टैन हो सकती है। तो जब भी आप ब्लीच या फेशियल करवाएं, तो समय देख लें कि कौन से समय पर करवाना करवाएं, शाम के समय पर करवाएं, उस वक्त धूप तेज ना हो, और कवर करके रखें। ब्लीच, फेशियल, पार्लर ट्रीटमेंट कोई भी करवाने के बाद एक अच्छा हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज़र लगाएं, ताकि स्किन सेंसिटिव ना हो, और उसके ऊपर सनस्क्रीन भी अप्लाई करें। अब सन टैनिंग से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? लाइट कपड़े पहने, कॉटन पहने, सूती पहने, अम्ब्रेला लेके चलें, चेहरे को और बॉडी पार्ट्स को कवर करके चलें भी, उससे भी हमको ये फिजिकल सनस्क्रीन का काम करते हैं ये। फिर केमिकल सनस्क्रीन आती हैं, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर्स आपको एक अच्छी सनस्क्रीन रिकमेंड कर सकते हैं। स्किन के, त्वचा के अकॉर्डिंगली सनस्क्रीन को एडवाइस की जाती है। जैसे अगर किसी की स्किन ऑयली है तो जेल वाली सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब करते हैं, ड्राई है तो क्रीम वाली सनस्क्रीन या फिर लोशन वाली सनस्क्रीन। ज़्यादा बड़े पोर्शन में लगानी है सनस्क्रीन तो लोशन के लिए, लोशन की एडवाइस की जाती है। और सनस्क्रीन को हमेशा बाहर निकलने से आधा घंटा पहले लगाएं, ताकि जब आप बाहर जाएं तो सनस्क्रीन का इफ़ेक्ट आ सके। और कोई भी क्रीम हमेशा, और डॉक्टर्स के राय के अनुसार, कि जितने समय के लिए डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है उतने समय तक ही आप सनस्क्रीन लगाएं। कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं आप सन टैनिंग को हटाने के लिए। जैसे आपके घरों में सबके मास्क होते हैं, कुकुम्बर मास्क हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गया, हल्दी उबटन का लेप हो गया, शहद हो गया, कच्चा दूध हो गया, ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन उचित मात्रा में। ये नहीं है कि आप रोज़ ही ये कर रहे हैं, रोज़ ही फेस पैक लगा रहे हैं, उबटन लगा रहे हैं। इसको समय देना चाहिए, हफ्ते में एक बार, दो बार, ताकि आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव या ड्राई ना हो जाए। ड्राई स्किन ज़्यादा टैन होती है और ज़्यादा गर्मी में डैमेज होती है। और हरी सब्जियाँ और पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें गर्मी के मौसम में, तली हुई चीज़ें कम से कम खाएं, ताकि आप गर्मी से आप अपने आप को बचा सकें।